दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बच्चों के मेरे पास कॉल आ रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टेट जो रद्द हुआ है उसको एक महीने में दोबारा कराने को कहा है, तो क्या एचपीएससी भी किसी परीक्षा को एक महीने के नोटिस पे करा सकती है? तो यह हम बात कर रहे हैं एचसीएस प्री 2021 जो रद्द हुई है उसको दोबारा कराने को लेके। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ने देखा, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी, लेकिन साथ ही उन्होंने गेंद एचपीएससी के पाले में डाल दी, ये कह के कि एचपीएससी को अधिकार दे दिया कि अगर वो उसको लगता है इसमें धांधली हुई है तो वो इस परीक्षा को रद्द कर सकती है। कारण क्या है, मुख्यमंत्री खुद किसी परीक्षा को एचपीएससी से ऊपर जाके रद्द करते हैं तो थोड़ा असंवैधानिक सा हो जाता है। तो मुख्यमंत्री ने जब एचपीएससी का नाम ले दिया, दैट मीन्स एचपीएससी को अब विजिलेंस से जो डेटा मिलेंगे, जो विजिलेंस उनको डेटा दे रही है भी इतने लोगों की शाही में और भी बदलाव मिला है या जो कुछ भी हुआ है, उस वजह से मुख्यमंत्री ने एचपीएससी को परीक्षा रद्द करने का अधिकार दे दिया। एचपीएससी कभी भी परीक्षा रद्द कर सकती है। दूसरा, विभिन्न विपक्षी दलों ने किया एचपीएससी के घेराव की तारीखें घोषित कर दी, कोई 4 तारीख को कर रहा है, कोई 7 तारीख को कर रहा है। एचपीएससी अपनी साख बचाने को सब कुछ करेगी क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उस पर किसी प्रकार का दाग लगे। दूसरा, एचपीएससी की जो एचसीएस परीक्षा है वो पूरे भारत में सर्वाधिक विवादित परीक्षा मानी जाती है अदर स्टेट्स के मुकाबले। तो यहाँ ये लगता है कि एचपीएससी एचसीएस परीक्षा को दोबारा कराना चाहेगी क्योंकि इसको कराने से एचपीएससी को फायदा है, तो ये घेराव ऑटोमेटिक टल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे समान हालात हुए, हालांकि वहाँ परीक्षा आउट हुई है, यहाँ परीक्षा का पेपर में जो ओएमआर शीट है उसकी गड़बड़ पकड़ी गई है। वहाँ योगी जी एक महीने में पुनः करवा रहे हैं। तो हरियाणा ने भी कानून उत्तर प्रदेश के कानून के देखते हुए कठोर से कठोर लागू किया था परीक्षार्थियों को लेके, तो यहाँ भी संभावना है कि एक महीने में परीक्षा कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये परीक्षा रद्द करते हैं तो इसको लेके जो 12 रिट कोर्ट में चल रही थी उन 12 रिट का ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएंगी क्योंकि उस भर्ती को लेके था जो भर्ती पूरी रद्द हो चुकी है। यह आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी ये बात कही है कि भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस है, कोई जगह नहीं हमारे पास, तो उसको लेके भी एचपीएससी चाहेगी क्योंकि ये भर्ती परीक्षा अगर इसी रूप में एचपीएससी ने एचसीएस मेंस और इंटरव्यू कराए तो आप मान के चलो बच्चे इस एचपीएससी प्री को लेके भी अगले 3 साल 4 साल तक कोर्ट में घूमते रहेंगे क्योंकि हरियाणा में जो मामला कोर्ट में चला गया वो बहुत लंबा चलता है कि प्री में ओएमआर शीट की गड़बड़ है, विजिलेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, 150 बातें आएगी। ये सबसे प्रारंभिक स्टेज पे परीक्षा है, इसको रद्द करा के एक महीने के शॉर्ट नोटिस पे दोबारा कराई जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया में पर्ची खर्ची बिल्कुल बंद करने की जो बात सरकार कह रही है उसका एक पहला आधार होगा अगर वो परीक्षा रद्द कर देती है। रद्द करना में कोई बदनामी नहीं है क्योंकि जो बदनामी होनी थी वो तो अधिकारियों के पकड़े जाने से होगी। तो सरकार तो यही चाहेगी भी किसी भी रूप में किसी भी मामले को अपना किसी भी रूप में ना लेके चलते हुए कोई भी चीज़ पेंडेंसी ना रखें, दोबारा परीक्षा करा लें, एक महीने के नोटिस पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न तो किसी को नए अप्लाई करने का मौका देना। जिन 75,000 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी, 73,000-74,000 रुपये बच्चों के करीब 1.5 लाख में से, वो प्लस में कुछ जो नए शामिल होंगे 70,000-80,000 बच्चों की परीक्षा करानी है। पेपर का कोई ना कोई एडिशनल सेट एचपीएससी हर पीएससी दो एडिशनल बनवाती है, इनके पास पेपर सेट भी है और एक महीने के नोटिस पे एग्जाम सेंटर तैयार किए जा सकते हैं। साथ में ये सारा मामला ये दब जाएगा, दोबारा इसकी ढंग से जांच भी की जा सकेगी। तो लग तो रहा है कि एचपीएससी इस परीक्षा को रद्द करेगी, लेकिन ये माना तभी जाएगा जब नोटिफिकेशन हो। लेकिन कल की उत्तर प्रदेश की घटना से एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह एक महीने के शॉर्ट नोटिस पर भी संभव है। तो आप ये ध्यान रखिए, कल को परीक्षा रद्द हो गए एक महीने में हो जाए, फिर आपके पास तैयारी ना हो, फिर आप तैयारी बढ़ाने के लिए अगर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करोगे वो मान्य ही नहीं होगा कि आपको परीक्षा के लिए बहुत टाइम दे दिया, अब आप पढ़ते ही नहीं, आपकी आदत ही नहीं है, तो उसको क्या किया जाए। तो इसलिए दोस्तों, ध्यान रखते हुए आप कम से कम अपनी तैयारियाँ ना छोड़ें। जो एचपीएससी को जो भी डिसीजन लेना है, मेरे को ये लगता है एचपीएससी इस परीक्षा को रद्द करके और इसकी नई डेट है वो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक भी कर सकते हैं, नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक में तो डेफिनेटली दोबारा से हो सकती है। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।